Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about the first chapter of class 11, The Living World. Now let's start. This is the first chapter of class 11, The Living World. सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना होता है कि बायोलॉजी क्या है, या हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो बायोलॉजी मीन्स ऐसी साइंस जो डील करती है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ. यानी कि हमें स्टडी करनी होती है लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऐसी ब्रांच को बोलते हैं हम बायोलॉजी. ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी आप आगे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे. व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा है मैंने. व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ जो हम जी रहे हैं उसको हम लाइफ बोलते हैं. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो क्या है, लाइफ है. मतलब हमारा लाइफ में एक लाइफ स्पैन है, लाइफ से यहाँ मतलब हो गया लाइफ स्पैन, फ्रॉम बर्थ टू डेथ. यानी कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें मरना भी एक दिन. ठीक है, उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है, लाइफ है. उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ. अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो लिव है, लाइव है, जो वर्ल्ड में लिविंग है, यानी कि जो जी रहा है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो ये सब क्या आते हैं, लिविंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं ये क्वेश्चंस कि लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही है, द लिविंग वर्ल्ड. नेम से ही पता चल रहा है आपको, ऐसा वर्ल्ड या ऐसा संसार जिसमें सब लिविंग है, या हमें ऐसी स्टडी करनी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कोई चीज़ और ध्यान रखनी है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं अरिस्टोटल को, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, बहुत रिसर्चेस करी हैं. अब क्या है कि बायोलॉजी को अब टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जियोलॉजी एंड बॉटनी. जियोलॉजी मींस जहाँ पे आप सारे एनिमल्स की स्टडी करते हो वो होता है जियोलॉजी, एंड जहाँ पे सारे प्लांट्स की स्टडी करते हो, जितने भी प्लांट्स हैं जिनकी स्टडी कर रहे हो आप, वो आता है बॉटनी के अंदर. ठीक है, तो फादर ऑफ जियोलॉजी भी अरिस्टोटल को माना जाता है क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर ज़्यादा है, और फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है थियोफ्रेस्टस को. तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप. तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड. अभी आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा, जिसमें हम लिविंग बींग्स स्टडी करते हैं वो क्या है, लिविंग वर्ल्ड है हमारा. अब हमें ये डिफ्रेंशिएशन करना है कि व्हाट आर लिविंग बींग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग बींग्स. अब लिविंग बींग्स आपको पता है कौन कौन होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग बींग्स, एंड नॉन लिविंग चेयर, ठीक है ना, पेंसिल एंड अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग विच कैन नॉट रिस्पायर. These are non-living beings. अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स की, जिनके थ्रू ही आप कैटेगरी डिसाइड करते हो कि हाँ लिविंग बींग्स में कौन कौन आता है और नॉन लिविंग बींग्स में कौन कौन आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फीचर की बात करें तो फर्स्ट होता है हमारा सेलुलर नेचर. मीन्स कि लिविंग बींग्स हैज़ अ सेलुलर नेचर. सेलुलर नेचर से यहाँ मतलब है कि सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जिनके थ्रू हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक रिप्रोडक्शन, सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कंप्लीट होती हैं वो सेल के थ्रू होती हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर से मतलब हो गया यहाँ पे कि जिनमें एक सेल प्रेजेंट है, और मल्टी सेलुलर मीन्स कि बहुत सारी सेल प्रेजेंट है और उनका अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में, जिनके थ्रू हमारी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं. तो नॉन लिविंग बींग्स में क्या है कि यहाँ पे जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और मैटर फॉर्म करते हैं, और लिविंग बींग्स में क्या होता है कि सेलुलर नेचर होता है, एग्जिस्ट करते हैं वो सेलुलर नेचर, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स हैं सेलुलर नेचर एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, अगर हम सेकंड फीचर देखते हैं, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन. प्लांट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल फॉर्म्ड होती है, सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है, तो सेल ही फॉर्म होकर आगे क्या बनाती है, टिश्यू. टिश्यू आगे फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आगे फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. एंड इस तरीके से हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो किस में फॉर्म्ड होता है, एंटायर ऑर्गेनिज्म में. तो ये फीचर जो है वो लिविंग बींग्स में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सेल हैं वो धीरे धीरे फॉर्म होने के बाद एक एंटायर ऑर्गेनिज्म बनाती है, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई भी प्लांट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा रिक्वायर एनर्जी. रिक्वायर एनर्जी से मीन्स आपको नेम से ही पता चल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी की नीड होती है.
विदाउट एनर्जी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो थकेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, तो उसके लिए हमें क्या होता है, लिविंग बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स को, अब चेयर कोई पड़े पड़े थक थोड़ी ना जाएगी, तो उसे एनर्जी की नीड नहीं होती है, लेकिन लिविंग बींग्स को एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर फीचर देखें तो वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मीन्स हो गया कि जब हम किसी चीज़ को देखें रिएक्ट करते हैं, तो वो फीचर किस में होता है, लिविंग बींग्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे देखो, अगर हम लीव्स को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो टच करने के बाद क्या होता है, उनकी लीव्स क्लोज होने लगती हैं, तो मतलब वो रिस्पॉन्स दे रही हैं, या आपकी तरफ बॉल आ रही है तो आप पीछे की तरफ हट जाओगे या उसे कैच करोगे, ठीक है ना। तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे सामने आ रही है, कोई भी स्टिमुलाई हमारे सामने आ रहा है। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में अगर मान लीजिए चेयर पड़ी है, उस पर बॉल आ रही है, तो चेयर अपने आप हटेगी तो है नहीं ना। तो इसीलिए ये स्टिमुलाई का जो फीचर होता है वो केवल लिविंग बींग्स में होता है, नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट में मीन्स कि आपको पता है मूवमेंट मीन्स इधर से उधर मूव करना। तो प्लांट में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे अगर हम उसको टच कर रहे हैं तो क्या होती हैं, लीव्स क्लोज होने लगती हैं, ठीक है, या हवा चल रही है तो लीव्स इधर से उधर मूव कर रही हैं। तो ये क्या है कि लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, मूवमेंट फीचर, ठीक है। या आप प्लांट को अगर आप सूरज की रोशनी के सामने रख रहे हो या किसी भी लाइट के पास रख रहे हो तो क्या होगा, वो बेंड होने लगेगी उसकी तरफ। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं होता है कि मान लीजिए आपने कोई नॉन लिविंग थिंग को लाइट की तरफ रख दिया या वो बेंड करने लगा, ऐसा कोई फीचर तो नहीं होता ना। तो इसीलिए जो फीचर है हमारा मूवमेंट का, वो लिविंग बींग्स में ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मतलब यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या तीन ऑर्गन्स जो है वो मिलकर इंटरेक्ट करते हैं आपस में और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए जो हमारी सेल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड फ्लो है, हार्ट बीट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए एक एक करके सारी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, और सारी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, कि लिविंग बींग्स में हमें ये कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है कि एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेट मैनर में होती हैं जिनके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स ऐसा कोऑर्डिनेशन कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम फीचर की तो वो है मेटाबॉलिज्म से यहाँ क्या मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, अदर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर हम दूसरे फीचर की बात करें ग्रोथ, तो ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, कि जैसे जैसे यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती चली जाती है वैसी वैसी क्या होता है कि हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग्स का। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें रिप्रोडक्शन, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं होता है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजिंग एंड डेथ, एजिंग एंड डेथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ साइकिल है, कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ जाएगा, यंग एज तक पहुँचता है, धीरे धीरे वो ओल्ड एज में जाने लगता है, और जब ओल्ड एज में जाने लगता है तो क्या होता है कि जो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, यानी कि जो फंक्शन है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिंग। और एजिंग के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी पूरी लाइफ साइकिल ही स्टॉप हो जाती है, मतलब सब कुछ फिनिश, देन इट इज कॉल्ड डेथ। तो ये जो लाइफ साइकिल का पीरियड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, नॉन लिविंग बींग्स में ऐसा कोई फीचर एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये थे हमारे फीचर जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि लिविंग बींग्स कौन से होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स कौन से होते हैं। तो ये कॉमन फीचर्स से कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमीज क्या होती हैं।
Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.